हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। तंबाकू और गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये सबको पता है, लेकिन ये एक ऐसी हैबिट होती है जो एक बार लग जाती है उसके बाद छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उनके जो दांत हैं उनके दांतों पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। उसमें जो तंबाकू और गुटखे में जो निकोटिन होता है उसकी वजह से दांतों का कलर है वो चेंज हो जाता है। दांतों का कलर येलोविश से रेड, ब्राउन या फिर काले हो जाते हैं, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो। इस तरह के जब दांत हो जाते हैं तो दिखने में भी बहुत गंदा लगता है, आप लोगों के सामने स्माइल नहीं कर पाते हो, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन चला जाता है। तो आप ये चाहते हो कि अब ये साफ़ कैसे करें, क्या ये घर पे साफ़ हो सकते हैं, इसको साफ़ करने का प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप तंबाकू और गुटखा का सेवन करते हो या आपके फैमिली में कोई तंबाकू या गुटखा का सेवन करते हैं जिसकी वजह से उनके दांत हैं वो काले हो गए हैं, लाल हो गए हैं, ब्राउन हो गए हैं, तो उनको साफ़ करने का एक तो इंस्टेंट उपाय होता है कि शुरुआत अगर आप रेगुलर जैसे ही तंबाकू और गुटखे का सेवन किया करने के तुरंत बाद आप उस पर ब्रश कीजिए, कुल्ला कीजिए, तो वो जो स्टेन है वो इनेमल के अंदर जाएंगे ही नहीं और वो वहीं स्टॉप हो जाएंगे। तो आपका इनिशियल स्टेज में ही आपका जो दांत है वो साफ रहेंगे, आपके आगे फैलेगा ही नहीं, ये जो निकोटीन जो परत जम जाती है दांतों पर वो नहीं जमेगी। तो सबसे पहला तो यही है कि अगर आप कोई कुछ भी तंबाकू या गुटखा खाते हो तो तुरंत खाने के बाद ब्रश और कुल्ला कीजिए ताकि आपके जो स्टेन्स है वो अंदर तक नहीं जाए और वहीं स्टॉप हो जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि आप हर टाइम घर पे नहीं रह सकते, हर वक्त आप कहीं बाहर काम पे भी जाते हो, कोई ऐसी जगह होते ऑफिस में होते जहाँ ब्रश करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? ऐसी कंडीशन में जैसे ही आप तंबाकू या गुटखा का सेवन करते हो तो तुरंत बाद आप एक च्युइंगम ले लीजिए, शुगर फ्री जो च्युइंगम आती है उसको आप चबाइए, उससे क्या है लार का फॉर्मेशन होएगा। अगर लार बनेगी तो आपके जो भी ये जो परत निकोटीन है वो जमती है आपके दांतों पे, वो स्टिक नहीं होएगी और वो घुल जाएगी और वो घुलने से आपके दांत है वो उन पर कोई इफेक्ट नहीं होएगा। तो अगर आप बाहर कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पे आप ब्रश नहीं कर सकते हो, कुल्ला नहीं कर सकते हो, तो आपको एक च्युइंगम लेनी है और वो उसका इस्तेमाल करना है। ये तो रहा इंस्टेंट की, भाई अगर आप रेगुलर होने से पहले ही उनको कैसे है। नेक्स्ट कि अगर आपके दांतों पे स्टिक हो गया है, यानी तंबाकू की वजह से आपके दांत काले हो गए हैं, ब्राउन हो गए हैं, रेड हो गए हैं, जो दिखने में बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं, स्माइल करने में प्रॉब्लम होती है, तो अगर ये प्रॉब्लम हो चुकी है तो क्या किया जाए? ऐसी कंडीशन में आप घर पे रह के क्या कर सकते हो? आपको बेकिंग सोडा में थोड़ा सा नींबू का रस मिला के उससे ब्रश करना है। उसको रेगुलर ब्रश नहीं करना, हर दो दिन में एक बार आप उससे ब्रश कर सकते हो। उससे ब्रश करने से आपके दांत का ये जो स्टेन है वो लाइट हो जाती है और कलर भी लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा आप बेकिंग सोडा में हाइड्रोजन परोक्साइड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। हाइड्रोजन परोक्साइड की हमेशा डाइल्यूट फॉर्म लेनी चाहिए, यानी कि जो घुल सके, लिक्विड फॉर्म होती है वही इस्तेमाल करनी चाहिए और थोड़ा सा हाइड्रोजन परोक्साइड ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके जो मसूड़े हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। और इनको हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन इससे ब्रश करना है, रेगुलर ब्रश नहीं करना, क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट है उनसे दांतों को नुकसान हो सकता है। इनके अलावा आप ये स्ट्रॉबेरी एक नेचुरल वाइटनिंग प्रॉपर्टी वाला होता है। अगर आप स्ट्रॉबेरी को अपने दांतों पर रेगुलर रब करते हो, यानी उससे मसाज करते हो, तो आपके दांत का जो पीलापन है, येलोविश हो जाता है या फिर ब्राउनिश हो जाता है तंबाकू की वजह से, तो वो लाइट हो जाता है, उस पर उसका कलर नहीं चढ़ता है, तो इससे आपके दांत है वो वाइट हो जाते हैं। इसके अलावा आप संतरे के छिलके से भी अपने दांतों को मसाज कर सकते हो, रब कर सकते हो, उससे भी दांतों को बहुत बेनिफिट होता है, दांत है वो वाइटिश हो जाते हैं या इसके जो स्टेन्स होते हैं वो लाइट हो जाते हैं।
नेक्स्ट है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग से भी आपकी जो स्टेन होती है वो लाइट होती है। अगर आप रेगुलर ऑयल पुलिंग करते हो, यानी कि थोड़ा सा नारियल का तेल है उससे अगर आप गार्गल कुल्ला करते हो, तो बैक्टीरिया है वो रिजोल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके दांतों पे जो ब्राउन या ब्लैक जो परत होती है वो लाइट होती है। तो ऑयल पुलिंग भी एक नेचुरल वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ का काम करती है। इसके अलावा बहुत सारे वाइटनिंग टूथपेस्ट अवेलेबल है मार्केट में, ये भी आपके दांतों की जो शेड होते हैं उसको लाइट करते हैं। लेकिन कोई भी टूथपेस्ट को आपको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़े दिन थोड़ा सा इस्तेमाल किया, कुछ दिन इस्तेमाल किया, उसके बाद उसको स्किप करना है, क्योंकि उसमें एब्रेजिव एजेंट होते हैं जो आपके इनेमल की परत को घिसते हैं। तो कोई भी अगर आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो वाइटनिंग के लिए, उसको आपको रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़े दिन इस्तेमाल करने के बाद रुकना है। तो ये है दांतों में जो ये तंबाकू गुटखा की वजह से दांत जो ख़राब हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, उनको सफ़ेद करने के कुछ घरेलू नुस्खे। इसके अलावा अगर आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो आप डेंटिस्ट के पास जाके दांतों की सफाई यानी कि स्केलिंग करवा सकते हो। स्केलिंग करवा के आप अपने दांतों को पहले जैसे वाइट कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।